शहजादा फर्डिनेंड अब बादशाह होंगे। आप ही हैं जो इस बादशाह की ताजपोशी कर रहे हैं जनाब जालमन। क्या हुआ? आंद्रे फरार हो गया है। आपने हमारी दो काने मुनाफा बख्श मुआहदे में फ्रांसीसी इदारों को दी हैं। बतौर एक वाली उस्मानी हुकूक का तहफ्फुज़ करने पर आपको मुबारकबाद है। हम आपको तीसरे दर्जे का इजाजी तमगा भी अता करेंगे। तहसीन पाशा खाली के हकीकी से जा मिले। सुल्तान मौसम मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में मुझे चले जाना चाहिए। हम बच जाएंगे लेकिन तहसीन पाशा फौत हो चुका। अब्दुल हमीद ने अपनी रूह को जमीन में दफन कर दिया है। व्लादिमीर, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तहसीन पाशा जिंदा है। हमने हर किस्म की एहतियाती तदाबीर की है। हम अपनी जिंदगी के लिए इसके मकरूज हैं। पूरी तरह से लेस चार फौजी दस्ते हमें महल ले जाने के लिए पहुंचे थे। अगर खलील खालिद वहां ना होता तो वो हमें कुचल देते। उन्होंने सुरंग के दरवाजे पर जल्दी से दीवार ना बनाई होती तो सब कुछ सामने आ जाता। मेरे प्यारे भाई ज़िया सामी ने मुआहिदा लाने की कोशिश करने के बजाय नाइब साहब की तरह मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश की। अखबार में लिखिए कि आंद्रे साहब एक जहर के खिलाफ दवा तैयार कर रहे हैं और यिल्दिज महल अपने तमाम जराए के साथ उनकी हिमायत कर रहा है। देखिए ड्रामा सीरियल सुल्तान अब्दुल हमीद सीजन 4।